प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से कुरेशी समाज के महिलाओं, पुरुष, बूढ़े, बच्चों ने लगाई स्लॉटर हाउस शुरू कर बूचड़खानों को लाइसेंस जारी करने की गुहार। इस अवसर पर महिलाओं ने प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए सुनाई आप बीती। क्या समस्या आज आप लोग इकट्ठा? हमारी ये है कि हम लोग परेशान हैं, हमारा रोजगार था वो बंद हो गया, हमारी बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही, और स्कूल तो छोड़ो खाने का नहीं है तो कापी और किताब कहाँ से आए, और ऐसा है कि हर चीज़ की मांगती हैं तो पैसा ही नहीं है, क्या मजबूर हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं, आदमी मजबूर है, पैर से बेकार है तो क्या खाएँ हम लोग, और बच्चे स्कूल से लौट के आए कोई कापी है ना किताब है ना कुछ, बच्ची ऐसे जवान बैठी हुई है रोती है कि अम्मी कहाँ से कौन काम कराएं बच्चे, तो लोग जो बच्चे काम कोई जानते ही नहीं है, इसके अलावा कोई जानते ही नहीं है काम, लेसन बनना चाहिए जो हम लोग की रोटी रोजी चल जाए, हम बीमार आदमी हम अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा दें, मर जाएंगे तो वो क्या करेंगी, अपने कुछ हाथ पैर से खड़ी हो जाएंगी वो लोग, मरीजदार आदमी आदमी भी मरीजदार है, मम्मी मरीजदार है, तो हमारी रोटी रोजी चलना चाहिए। क्या नाम है आपका? साईं। क्या समस्या आज आप लोग इकट्ठा हैं? हमारी समस्या ये है कि हम योगी आदित्यनाथ से हमारा कहना है कि हमारा लोगों का रोज़गार खुलना चाहिए, लाइसेंस बनना चाहिए, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग के यहाँ बहुत परेशानी है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं हम लोग का लाइसेंस चाहिए और स्लॉटर हाउस खुलना चाहिए, रोजगार के लिए हम लोग बहुत परेशान। कब से आप लोग परेशान? अरे ढाई साल हो गए, दो ढाई साल हो रहे हैं, बहुत परेशान है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? अरे बहुत दिक्कतें हैं, बीमार है, पैसे नहीं है, स्कूल के नहीं है, दवाई इलाज के नहीं है, जब कार रोजगार नहीं चलेगा तो हम लोग के पास पैसे कहाँ से आएंगे। अच्छा, जैसा कि देखने में आ रहा है कि इस समय बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, आप लोगों के बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे, नहीं जा पा रहे, बहुत परेशान है, जब पैसे नहीं है तो कहाँ से जाएंगे, पैसा नहीं भगाते हैं, ड्रेस कहाँ से लाएंगे, फीस कहाँ से जमा होगी, पैसा नहीं, जब फीस नहीं दिया तो बच्चों को बैठा लेंगे कैसे।